नया वाला आया नहीं है, जो कि आएगा, जो अभी आप लास्ट ईयर जो पास हो गया, इस साल जिन्हें 2019 का जो बैच होगा, अगर वो लोग तो फॉर्म भरे नहीं होंगे तो उनका अभी जो फॉर्म आएगा तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और या फिर जिनका भी पेपर ऐसे जेई का पेपर वन मतलब उसका जो अभी होने वाला है CBT 1, उसके बारे में उसका सिलेबस क्या होगा, किस तरह से आपको पढ़ना होगा, ऐसे जो जिन्होंने फॉर्म भरा होगा वो तो ऑब्वियस सी बात कुछ ना कुछ आइडिया लगी होगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी जो अभी आने वाला है, जो कि 2019 का पास आउट है, उनके लिए जो SSC JEE किट CBT 1 जो दो देंगे पहली बार, उनके लिए कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, कितना नंबर सेफ रहता है कितना सेफ नहीं रहेगा, तो उसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करें तो टोटल जो SSJEE का पेपर होता है वो आपका 500 मार्क का होता है, ठीक है। टोटल वो सारे ब्रांच के लिए होता है, या तो इलेक्ट्रिकल हो या सिविल या मैकेनिकल हो, मेनली इन्हीं का एग्जाम SSJEE में होता है। तो अब बात करें तो देखो पेपर वन क्या होता है, पूरा CBT होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तुम्हारा। CBT 2 जो तो पूरा कन्वेंशनल होता है, रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। और CBT 1 की बात करें तो इसको पेपर वन ही बोलते हैं। पेपर वन में टोटल ऑब्जेक्टिव 200 मार्क का आता है। अब इसमें मैं आपको सब बताऊंगा कि कितना सेफ रहेगा और कितना सेफ नहीं रहेगा। तो इसमें जो 200 मार्क होता है CBT 1 में, तो उसमें तीन जनरली टाइप होता है। पहला तो आप टेक्निकल पूरा हो गया, जो अभी से आता है आपका सिविल, तो सिविल रहेगा, और आपका इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल रहेगा, और मैकेनिकल तो मैकेनिकल रहेगा। और एक आपका होता है नॉन टेक्निकल पार्ट, जो 100 नंबर का पूछता है, जिसमें से आपका एक उसमें रीजनिंग रह जाएगा, जनरल स्टडीज ये पूरा रह जाएगा, ठीक है। इसमें एप्टीट्यूड नहीं पूछता है, तो ये आपके लिए अच्छा है कि एप्टीट्यूड नहीं पूछ रहा, आपका काम हो जाएगा। और रीजनिंग वाले पार्ट सारे कर लेते हैं। टोटल कितना मैंने बताया था, 200 मार्क का। तो इसमें से जो 100 मार्क टेक्निकल टोटल हो गया, तो आपका ब्रांच वाइज हो गया, और जो रेस्ट बचा 100 मार्क, उसमें से क्या होता है, रीजनिंग और आपका जनरल साइंस, या फिर जनरल स्टडी बोलो, जनरल स्टडी के अंदर जनरल साइंस आता है वैसे। तो जनरल स्टडी में क्या क्या आपका आता है, जनरल साइंस, ये इसमें थोड़ा सिलेबस बड़ा हो जाता है क्योंकि वास्ट सिलेबस है। अब जनरल स्टडी में सारा कुछ आ जाता है, जितने उसके अंदर जनरल साइंस तुम्हारा हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर उसके बाद जियोग्राफी हो गया, उसके बाद फिर आपका करंट अफेयर्स भी उसके अंदर आया था। तो देखो 100 नंबर के तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें, जो टेक्निकल पोर्शन है 100 नंबर का, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो और कितना आप ला सकते हो, और जितना पढ़ोगे उतना नंबर आपका काम पर आ जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा टफ ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि इसमें से आप तो 70 से 80 तो आपको लाना ही है, मतलब जब बता रहा बात करूं तो 70 से 80 किसमें आना चाहिए आपका, टेक्निकल में, मतलब आपका जो ब्रांच है उसमें 70 से 80 तो आपको आना चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या है अगला, कि रीजनिंग वाला पार्ट जो कि 50 नंबर का आता है। तो इसका रीजनिंग बहुत ही आसान होता है, ये रीजनिंग आपका 50 है तो आपसे कम से कम 40 से 42 रखो कि बन जाएगा, ठीक है। तो 40 से 42 आपको बनना ही बनना है, हर आदमी को बनना है, क्योंकि इसमें पिछड़ गए तो फिर कोई उपाय नहीं कि आपका वो आगे निकल पाएगा CBT 1, या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सब लोग जितने सारे बच्चे होते हैं वो रीजनिंग वाले पार्ट में 40 से 42 मार्क लाते ही लाते हैं। अब उसके बाद अगला इसमें क्या हो गया, तो आपका ये आपका सारा CBT 1 का भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इसका क्या करना है कि देखो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में परेशानी क्या है, जो जनरल स्टडी वाला पोर्शन है उसमें परेशानी ये है कि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। मैं आगे आगे आपको बताऊंगा आगे वाले आने वाले वीडियो में कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है और कैसे कैसे वो निकलेगा, ठीक है। ये इतना तो आपका सिलेबस पूरा हो गया क्या CBT 1 का, ठीक है। अब बात करें तो आपको CBT 2 का मतलब क्या है, CBT 2 में, यानी CBT 2 नहीं होता बेसिकली, पेपर 2 होता है जो कि रिटर्न होता है बेसिकली। तो जब हम रिटर्न का बात करेंगे तो उसमें कन्वेंशनल टाइप हो जाए तो आपका 300 मार्क का होता है, ठीक है। अगर आप CBT 1 क्लियर कर दिया, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, जितना कट ऑफ उस क्लियर हो गया, तो आपका सेकंड पेपर क्या होगा, 300 मार्क का होगा जो कन्वेंशनल होगा, ठीक है। उसमें अप्रोक्सीमेट 6 क्वेश्चन रहता है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा टोटल, और इस 6 क्वेश्चन के अंदर सेक्शन बना रहता है जिसमें कि लगभग 4 या 5 क्वेश्चन, अब जनरली 4 ही रहता है उसमें, 4 रहेगा, ठीक है। इसमें से आपको जो आपको आता है टोटल 6 सेक्शन था, उसमें से उसके अंदर कितना सेक्शन बना हुआ था, 4 4, मतलब ABC करके, ठीक है, यानी फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, इस टाइप का आपका बना रहेगा उसमें। उसके बाद उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करना होता है, जिस जो आपको कंफर्टेबल है, जो आप करने में आपको आसान लग रहा है वो आप करें, आपको करना होगा और करें, और 5 क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। अब बात करें क्या कि रिजल्ट का, कि रिजल्ट में दोनों जुड़ता है CBT 1 का, तो हाँ
दोनों का दोनों इसमें जुड़ता है, सीबीटी वन का जितना नंबर है वो और सीबीटी टू का सॉरी कन्वेंशनल पेपर का जो नंबर है वो दोनों आपका जुड़ेगा जुड़ेगा ठीक है। अब हम बात करें कि टारगेट मतलब कितना नंबर लाए कि हम सेफ रहें, तो देखो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो इसका कट ऑफ यार डे बाई डे बढ़ ही रहा है, घटने वाला तो है नहीं। कट ऑफ 2017 की बात करें जो कि सिविल का सबसे कम कट ऑफ जाता है, क्यों? क्योंकि देखो जितना सारा टोटल फॉर्म नंबर ऑफ फॉर्म निकलता है उसका 60% फॉर्म बेसिकली क्या होता है आपका 60-70% रख लो वो क्या होता है आपका सिविल का, बाकी रेस्ट जो बचा 30-40% वो आपका किससे रहेगा इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों मिला के। तो कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ कितना आएगा सिविल का अगर 2017 की हम बात करें अनरिजर्व्ड के लिए तो उसमें आपका 117 मार्क आया था ठीक है, और 2018 में कितना हो गया था 127, लेकिन सीट वैकेंसी भी ज्यादा आया था 2018 में, वो वैकेंसी भी ज्यादा दिया गया था लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ क्या हुआ 127 आया था। अब देखो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मैकेनिकल का 2018 कट ऑफ था आपका 150 प्लस, मतलब 150 के उसी काम में रख लो आपका 150 प्लस आया था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का कट ऑफ, क्योंकि दोनों का सीट कम था और कंपटीशन बहुत हाई होता है। अगर अगर ब्रांच वाइज बात करें तो देखो अगर आपका सिविल है तो सिविल में क्या है कि 140 प्लस आपको लाना है सेफ रहने के लिए ठीक है, और अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपको ये सब सीबीटी वन का चल रहा है, अगर आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपको 155 प्लस लाना है सेफ स्कोर सीबीटी वन में ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाए, और क्योंकि मेंस में यार उतना नंबर आएगा नहीं आपका जितना सोचोगे क्योंकि क्वेश्चन आसान रहता है ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आपका रिटेन होता है, आपको एक लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, आप उतना आपका उतना प्रैक्टिस चाहिए, अगर हो तब भी उतना मेंस में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नंबर आपका ज्यादा आ नहीं पाएगा, लेकिन आप अगर प्री में नंबर सही ला रहे हो तो आपका बर्डन कम होता है और मेंस मिला के आपका काम बन जाता है ठीक है। अगर टोटल बात करें कि टोटल कितना आपका दोनों मिला के सीबीटी वन और कन्वेंशनल मिला के कितना सेफ रहेगा, तो सीबीटी वन और कन्वेंशनल पेपर दोनों का पेपर मिला के अगर आपका सिविल है तो 280 प्लस कम से कम आप लेके चलो, आपको जैसे लाना कैसे मिलाओ आपको 280 प्लस लाना ही लाना होगा, और अगर आपका मैकेनिकल 320 प्लस कम से कम आपको चाहिए उससे कम में दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ अगर आप जस्ट कट ऑफ करते हो तो उसमें क्या होता है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आने का चांस रहता है, लेकिन अगर आप नंबर कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास 5 या 10 नंबर का आपके पास मार्जिन है तो आप क्या है कि आपका वो सब पंगा नहीं है, आप निकल जाओगे। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल कि क्या क्या किस टाइप से इसका पैटर्न रहता है, क्या कितना रिटेन में क्या होता है या फिर सीबीटी वन में क्या होता है वो सब बात करना है। देखो अब नंबर कैसे लाना सीबीटी वन में उसका बात करते हैं, तो जब मैं सीबीटी वन का बात करूं तो देखो जब हम सीबीटी वन का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है टोटल आपका 200 मार्क का पूछता है, 200 मार्क के आपको क्या कितना है टेक्निकल 100 नंबर आ गया ठीक है, बाकी का 100 मार्क जो है 50 रीजनिंग हो जाएगा और प्लस जनरल स्टडी कितना का 50 का होता है, तो ये जो 100 मार्क आपका टेक्निकल इसमें तो आपको इसको तो पढ़ना ही होगा आपको टेक्निकल हर हालत में, तो इसमें आपको अगर 70-80 लाते हो आ सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 80-85 तक मेरा आया हुआ है तो आप 70-80 लाते हो आपको तो देखो इसमें आपका कितना चलो 70 नंबर जोड़ना ठीक है, बाकी रेस्ट बचा 50 रीजनिंग 50 जनरल स्टडी तो 50 रीजनिंग बचा इसमें से आपको हर हालत में 42 आपको आना ही चाहिए, अगर इसमें पिछड़ गए तो आपसे फिर बहुत परेशानी हो जाएगी क्योंकि ये यार सब करके आते हैं रीजनिंग 42 सबको आना ही आना, बाकी ये रेस्ट बचा कितना 50 जो बचा जनरल स्टडी, जनरल स्टडी में परेशानी ये होती है कि इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है तो आपको करंट अफेयर से पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना सब पढ़ना है, तो होता है कि परेशानी ये होता है कि हम कभी पढ़े नहीं जनरल स्टडी कभी हमारा उतना आया नहीं, सब बेसिक होता है लेकिन कभी पढ़े नहीं प्रैक्टिस नहीं है तो हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन आपकी रीजनिंग एक तो डेली आप 2 घंटा करो वो भी कभी एग्जाम से 2 महीना पहले ज्यादा नहीं 2-1.5 महीना पहले डेली करो रीजनिंग 2 घंटा आपका 40-42 नंबर फिक्स है कोई नहीं रोक सकता रीजनिंग में, और इसमें जनरल स्टडी की बात करें जनरल स्टडी में आपका 50 है तो इसमें से भी आपको हर हालत में कितना लगा 30 तो आपको आना ही आना चाहिए ठीक है, और नंबर जोड़ो कितना कितना था टेक्निकल में टोटल नंबर 200 बन रहा था 200 में टेक्निकल आपको 70-80 चलो 80 जोड़ो ठीक है चलो 80 जोड़ो ठीक है, उसके बाद किसमें 42 किसमें आ जाना चाहिए रीजनिंग में ठीक है, अब प्लस 30 किसमें आना चाहिए आपका जीएस में मतलब जनरल स्टडीज में, कितना हुआ 80 प्लस 42 प्लस 30 कितना हुआ 8-4-12-3-15 यानी 152 यहां से बन रहा है ठीक है 120-152 यहां से बन रहा। देखो ये आपको करना है ठीक है, अब देखो नंबर कैसे बढ़ेगा, अगर मान लो जीएस का 30 नहीं आ रहा तो आपको टिकल में 5 बढ़ाना होगा, अगर 5 आप बढ़ा रहे हो तो कितना आ गया
157 यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। और रीडिंग तो 42 फिक्स है, 42 से 45 होना चाहिए, लेकिन 45 से 42 ये 40 नहीं होना चाहिए, 40 नहीं होना चाहिए, ये हर हालत में इसमें बढ़ना चाहिए, कभी घटना नहीं चाहिए रीडिंग, क्योंकि रीडिंग को सर के सब करके आते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल कितना बन गया, 157 नंबर यहाँ से आपका बन जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जीएस पढ़ा हुआ नहीं है, तो जीएस में क्या होता है, बहुत सारे परेशानी क्लिक करके आते लोग 20-30 क्वेश्चन और रिजल्ट के फाइनल आता है -2 -3, तो ये दिक्कत होता है आपको। तो आपको ये ओरिजिनिंग का प्रैक्टिस आपको करने के लिए क्या है, आप कोई सा भी एक बुक ले लो या फिर कोई टेस्ट सीरीज ले लो, आप टेस्ट दे तो आपका प्रैक्टिस ओरिजिनिंग का हो जाएगा। तो ये सब जो जितना भी रहा ये मैं पेपर का एनालिसिस बस मैंने कराया अभी कि कितना कितना आपका पेपर वन में क्या होता है, पेपर टू में क्या होता है, ये कैसा कैसा सवाल पूछता है, ये सब मैं आगे बता दूंगा आपको। लेकिन ये बस बेसिक जो मालूम होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस में क्या 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 पूछ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और फिर पेपर टू के लिए क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया वैकेंसी का, और मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा वैकेंसी किसके पास होता है, कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया सब कुछ कितना हो गया, और मेंस में भी आपको क्या है कि बता दें कितना कितना नंबर आपको आगे की ओर चाहिए।